खिलाड़ियों का कोटा खत्म किया था तो इसलिए सोटा उठाया था, वो खिलाड़ियों का कोटा वापस आया, आप लोगों को पता होगा। अब ये न्याय का प्रतीक है भाई साहब। अब ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा सरकार करेगी तो ब्राह्मण कमजोर नहीं है, बोधे नहीं है, बोधेमान की थी सरकार, तो ये इस तरह न्याय ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार। हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, ऐसा कहाँ से आ गई, अपने आप की बात है भाई साहब, इनका ही इसमें कितना हिंसा आ गई। उठाना तो उठाओगे भाई साहब, अच्छी बात करो, इसने कुछ मानो कोई, हमने तो ठा रखा है, अपने हक के लिए ठा रखा है, किसी के हक को दबाने के लिए नहीं ठा रखा, अपने हक के लिए है। और बिल्कुल 1001 पूरे हरियाणा से फरसादारी पहुंचेंगे वहां पर। आज का मुख्य जो इशू है, सिरसा जिले के 36 बिरादरी के लोगों को न्योता है, सभी ब्राह्मणों को न्योता है, 22 तारीख रविवार को रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है, 36 बिरादरी साथ मिलकर मना रहे हैं। तो मैं सिरसा जिले के सभी बिरादरी के लोगों को, सबको मैं न्योता देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ आपको। मैं बताऊँ, मामला है कि गांव प्रावर गांव है, उसमें 16 एकड़ जमीन जिसकी करीब 200 करोड़ कीमत है, ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मण संस्था को दी गई थी। अलग अलग जगह के वे हर जगह पे हरियाणा में आपको पता होगा अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, लेकिन सभी बिरादरी के लोग उनमें पढ़ते हैं, कोई धर्मशाला बनती है, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनता है, तो सबके इलाज होते हैं, सभी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2009 की बात है, 2009 के अंदर वो जमीन ब्रावर गांव ने दी थी गोड ब्राह्मण संस्था को, लेकिन उस टाइम पर हुड्डा डिपार्टमेंट ने जो ये सेक्टर काटते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया उस टाइम, और उसके बाद 6 साल तक लोग चक्कर काटते रहे, समाज के जमीन नहीं मिली, 7 साल इस सरकार के हो गए हैं लेकिन जमीन नहीं मिली। तो हमने बुलडोजर से वहाँ पे उसका जो निगम का बोर्ड लगा रखा था तोड़ दिया था हमने वहाँ से। अब उसी जगह पे भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है, और मैं सबसे ये भी अपील कर रहा हूँ कि भाई हमने न्योता दे रखा है, सबको दे रखा है, प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर साहब उनको भी न्योता दिया है, आप आओ और वो जमीन के कागज दे के जाओ, पूर्व मुख्यमंत्री है हुड्डा साहब हैं चौटाला साहब उनको भी न्योता है, आप आओ और वहाँ पे उस ब्राह्मणों की जमीन की आवाज़ उठाओ। ब्राह्मण है, अब सीधी बात है, कोई किसी का वोट बैंक जो सोचता है कि जेब में तो वो नहीं रहेगा, ब्राह्मणों की जमीन है, 36 बरादरी के बच्चे वहां पढ़ने थे, 36 बरादरी का वहां पे इलाज होना था। भगवान परशुराम मंदिर जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में परशुराम मंदिर बनाएंगे उस जगह पे। और सबसे मैं अपील ये भी कर रहा हूं कि एक ईट और एक फरसा साथ लेके आए, पूरे हरियाणा से फरसा लेके आएंगे, कम 1001 प्रतिनिधि वहां पे पहुंचेंगे पूरे हरियाणा से। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये न्योता इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार ने हमारी ज़मीन को दबा रखा है, 22 तारीख तक का सरकार के पास समय है। सरकार के लोग जो बार बार ये कहते हैं जमीन दे दी जमीन, ये भाषणों से हम नहीं मानेंगे किसी के भाषणों से, कागज चाहिए कागज, डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए कि हाँ। तो जब ये हंगामा होया इस इशू को लेकर तो सरकार ने एक लेटर भेज दिया कि जमीन आपकी है लेकिन ये मैं आपको दे देता हूँ 8,86,00,000 रुपए दे दो। 8,86,00,000 रुपए मांगे गए हैं, किस चीज़ के 8,86,00,000 रुपए, 8 आने भी नहीं देंगे और जमीन पर अपने आप कब्जा लेंगे 22 तारीख को, ब्राह्मण समाज 36 बरादरी के साथ मिलकर अपने आप कब्जा लेगा। सरकार के पास 22 तारीख का टाइम है, या तो 22 तारीख को लेटर मिल जाएगा नहीं तो फिर जंग का ऐलान होगा, और लेटर मिल गया तो जश्न होगा, सीधी बात भाई साहब ये है। और मैं सबको ये न्योता खासकर नौजवान साथियों को दे रहा हूँ, अगर नौजवान साथी तो कम से कम जरूर पहुँचे, 36 बरादरी के साथी पहुँचे, क्योंकि जब स्कूल वहाँ पे बनेगा कॉलेज, मैं खुद जाट संस्था से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो भी संस्था है अगर कोई स्कूल इंस्टीट्यूट सरकार को चाहिए तो ये कि वो खुद पैसे दे खुद बनवाती, लेकिन सरकार ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है तो वो कब्जा छुड़वाना है, कब्जा छुड़वाएंगे। और वहीं पे वो उस दिन का भाई साहब हमारा प्रोग्राम है, इसमें मुख्य रूप से बात यही थी कि एक
धर्म युद्ध है, क्योंकि जमीन का मामला, ये ब्राह्मणों के जमीन अकेले नहीं, जमीर की भी बात है, स्वाभिमान की भी बात है। और हम सरकार को ये कह रहे हैं, सरकार ने अगर जमीन की तरफ देखा तो उसी जमीन में गाड़ देंगे सरकार को। ये भी हम सरकार को बता चुके हैं, बार बार कह भी रहे हैं। 22 तारीख को हजारों लोग वहां पे, हर बिरादरी का आदमी वहां पे पहुंचेगा। वैसे